Hello kids and their parents, how are you all? I hope you all are fine. So today's our session is for maths for LKG class. So LKG class, today's our session is for maths and we will learn today match the shapes. What? Match the shapes. In previous class we learned some shapes, name of some shapes. First is triangle, rectangle, square, सर्कल, सिलेंडर, ठीक है। तो जब हमने ये प्रीवियस क्लास में शेप्स पढ़ी थी तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने मैच करना है, सेम शेप्स को एक दूसरे के साथ मैच करना है, ठीक है। अब आपको पता है ये कौन सी शेप है, ट्रायंगल, ये कौन सी है, रेक्टेंगल, ये कौन सी है, स्क्वायर, ये सर्कल एंड दिस इज सिलेंडर। इस तरफ चलते हैं, इस तरफ देखो कौन कौन सी शेप है, इस तरफ सिलेंडर, सर्कल, ट्रायंगल, ये कौन सी है, रेक्टेंगल एंड लास्ट वन इज स्क्वायर, ठीक है। इस तरफ जो पैटर्न है वो दूसरी तरफ से पैटर्न है कि यहाँ पे हमने ट्रायंगल के बाद कुछ और बनाया है, फिर रेक्टेंगल के बाद कुछ और बनाया है, स्क्वायर के बाद कुछ और है हमारे पास, है ना। तो और इस तरफ देखिए सबसे ऊपर क्या है, सिलेंडर, और यहाँ पे सबसे टॉप पे हमारे पास क्या है, ट्रायंगल। तो अब हमने क्या करना है, इस वाले यानी कि जो ए है, ठीक है, इसको आपने इस वाले के साथ मैच करना है। इसको हम ले लेते हैं बी, ठीक है, ये ए कॉलम हो गया, ये बी कॉलम हो गया, ठीक है। ए के पिक्चर्स को हमें बी के पिक्चर्स के साथ मैच करना है, वो भी सेम, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारे पास ट्रायंगल ए कॉलम में, अब बी कॉलम में फाइंड करते हैं कि ट्रायंगल कहाँ पे है। बिल्कुल ऐसी फिगर हमें देखनी है, बिल्कुल इस तरीके से सेम। तो ट्रायंगल हम देखेंगे कहाँ पे है, ये भी नहीं है ऐसा, ये भी नहीं है। नेक्स्ट वन इज ट्रायंगल, बिल्कुल इसी की शेप है, तो यहाँ से हम इसको मैच कर देंगे, ठीक। नेक्स्ट वन इज रेक्टेंगल, अब रेक्टेंगल की फिगर हमें देखनी है कि ऐसी फिगर बी वाले कॉलम में कहाँ में है, ठीक है। तो बी में हम देखते हैं कहाँ पे है, ये तो सिलेंडर हो गया, ये सर्कल, ये तो हमारी मैच हो गई। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, रेक्टेंगल, तो इसको क्या कर देंगे, इसके साथ मैच। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर, अब ऐसी शेप देखो कहाँ पे है, ऐसे स्क्वायर शेप ये है, ठीक है, तो इसको आपने सिंपल मैच कर दिया। अब है सर्कल, सर्कल कहाँ पे है, सबसे टॉप में क्या है, सिलेंडर, सिलेंडर के नीचे सर्कल, तो सर्कल को ऐसे मैच कर दिया, ठीक है। लास्ट है हमारे पास सिलेंडर, तो सिलेंडर को आपने कहाँ मैच कर देना है, जहाँ पे ऐसी ही फिगर दिखेगी आपको, तो ये आपको दिखे यहाँ, ठीक है। तो ये आपका हो गया मैच द शेप्स। तो हमने क्या किया, एक तरफ ए कॉलम है, एक तरफ बी कॉलम है, ए में भी वही शेप्स हैं और बी में भी वही शेप्स है, लेकिन सीक्वेंस चेंज है। क्या चेंज है, सीक्वेंस चेंज है, हमने ट्रायंगल के नीचे रेक्टेंगल लिखा, रेक्टेंगल के नीचे स्क्वायर, स्क्वायर के नीचे सर्कल, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे स्क्वायर के नीचे कोई भी फिगर नहीं है, स्क्वायर के नीचे तो है नहीं कोई, तो सबसे ऊपर देखेंगे कि कहाँ पे है दूसरी फिगर हमारी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपनी नोटबुक में भी करना है सेम, ठीक है। तो अब जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो भी अभी शुरू करेंगे हम, ये हो गया आपका मैच द शेप्स। अब हमारे पास है मैच द नंबर्स, मैच द नंबर्स। तो नंबर्स में क्या होगा, नंबर्स में भी आपका सेम रहेगा, उसमें हमने सिर्फ आपके नंबर्स को मैच करना है, किसको मैच करना है, नंबर्स को। जैसे ये दो कॉलम है ए और बी, ए में भी हमने कुछ नंबर लिखे, जैसे लिख दिया 26, 55, 39, 46 एंड 2। इस कॉलम में भी यही नंबर होंगे लेकिन अप डाउन करके, तो इस तरफ भी हम लिख देते हैं 2 यहाँ लिख दिया, 26 यहाँ लिख दिया एंड 39 ऊपर लिख दिया हमने एंड 55 यहाँ एंड लास्ट में क्या बचा, 46, तो 46 हमने लिख दिया यहाँ, ठीक है। तो अब जो है हमने इन नंबर्स को देखना है कि ये नंबर्स यहाँ पे कहाँ पे हैं और वहाँ से हमें क्या करना है, मैच करना है, ठीक। तो अब ए कॉलम में 26 है, बी कॉलम में हमें फाइंड करना है 26 कहाँ लाया करता है,
तो 26 ये क्या है, 3939, नेक्स्ट इज 2, अदर 5555, नेक्स्ट वन 2626। तो हमारे पास क्या हमने फाइंड करना था, 2626, तो इसको हम यहाँ मैच कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास 5555 कहाँ लाया कर रहा है, वो आपको सामने ही दिख रहा है, तो इसको इस तरीके से मैच कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास 3939 देखेंगे कहाँ लाया करता है, तो सबसे टॉप में चलते हैं, तो सबसे टॉप में ही 3939 है। नेक्स्ट है 4646 ऊपर भी नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो लास्ट में क्या है, 4646। लास्ट है हमारे पास 2, अब 2 कहाँ है, सेकंड में, तो ये हमने यहाँ मैच कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आपको अपनी नोटबुक में भी मैच द नंबर्स लिख के ये मैच करने हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, थैंक यू।